वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी कॉस्मेटिक। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। देन मैंने पार्सल ऑर्डर कर रखा था जो कि मुझे आज ही रिसेंटली रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसमें एक चारकोल मास्क मुझे रिसीव हुआ है। तो मेरे ऑर्डर में ये फ्री में आया था, तो मैंने इसको बाय कर लिया। और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कहाँ से लिया। तो मैंने इसको मीशो से लिया, जो कि मीशो पे 70% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप भी जा कर के बाय कर सकते हो। तो ये जो चारकोल मार्क से मुझे कितने के पड़ा, इसका प्राइस कितना है, मैं ये भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देन ये आपकी स्किन पे कितना वर्क करता है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले इसका प्राइस बता देती हूँ। तो ये मुझे 143 रुपीज़ में मिला, जो कि ये इसके फ्री में है। ओके, मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट दे दूँगी। इसकी जो आउटर पैकेजिंग इस तरीके से है, जो कि आती है, एंड इसमें कुछ लैंग्वेज वगैरह है, बिल्कुल भी नहीं पता ये कौन से लैंग्वेज है, कोरियन है या फिर ये चाइना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये बैम्बो चारकोल ऑयल कंट्रोल एंटी ब्लैक हेड मास्क क्रीम है, जो कि ये आपकी जो नेक वगैरह पे होते हैं ना, ब्लैक हेड वाइट हेड, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली आप इस पे जा, तो इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से है। तो मैंने पहले से तो उसको अनबॉक्स कर रखा था। तो जो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में मिला है, और इसमें प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं ये। और मैं इसका डेमो भी आपको शेयर करूँगी अपने हैंड वगैरह पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर कैमरा कैच कर पा रहा हो, तो यहाँ पर जो हेयर है, तो मैं देखूंगी कि ये जो चारकोल मास्क से इस हेयर को रिप्लेस करता है कि नहीं। सबसे पहले मैं इसके वर्क बता देती हूँ कि आपकी स्किन पे क्या वर्क करता है। जो आपकी स्किन की डेड स्किन होती है, उसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा ये क्लीन करता है, और उसको जो आपकी डेड स्किन वगैरह होती है या फिर फेशियल हेयर होते हैं, उसको रिड्यूस करता है, उसको निकाल देता है। तो इसकी यही बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी। तो जो आपकी स्किन की जो इम्प्योरिटी होती है, उसको निकाल देती है, और आपकी डेड स्किन वाइट हेड या फिर ब्लैक हेड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और प्योर सी बात है कि आपके जो स्किन के जो जितनी भी गंदगी है, उसको तो ये क्लीन करता ही है, और आपके हेयर ग्रोथ जो होते हैं, उसको भी ये बहुत ही बारीकी से निकालने में हेल्प करता है। तो बेसिकली आप इसको ट्राई कर सकते हो, इतना बुरा नहीं है। लेकिन हाँ गाइस, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी स्किन पे लगाओगे, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी है आपकी स्किन पे, जो अच्छे से हुए वहाँ पर चिपक जाएंगे, जो कि निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, हो सकता है आपको परेशानी भी आ सकती है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और किस तरीके से ये आती है। तो माई गॉड, इसकी जो हालत है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे सील लगी हुई थी, तो मैंने इसको निकाल दिया था पहले से। एंड मैं इसको हैंड पे भी लगा कर आपको दिखाऊंगी। तो इसके पहले आपको एक और काम को लगाने से पहले आपको एक काम कर लेना है, जब भी आप अपनी स्किन पे लगा रहे हो, अदरवाइज जहाँ भी आप अपनी स्किन पे इसको लगाना चाहते हो, तो वहाँ की जो स्किन है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। आपको गर्म पानी या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी आप पीते हो, उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। देन मैं आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। पानी ले रखा है, और मैं अपनी जहाँ पर इसको लगाऊंगी, और मैं इसको यहाँ पर ही लगाने वाली हूँ, तो मैं इसको साफ करूंगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी जितने भी मेरी स्किन पे ऑयल को, इस टॉवल को मैं यहाँ भिगो करके यहाँ पर अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। तो आपने भी इस तरीके से अपनी स्किन को फेस आउट कर लेना है। सकती है इसकी हालत किस तरीके से हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगी, एंड ये जो है बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी जो कंसिस्टेंसी इस तरीके से आती है। एंड मैं यहाँ पर इसको आपको लगा कर दिखाती हूँ। कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस नहीं, बहुत ही स्टिकी है फ्रेगनेंस,
तो या ओके अब देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपने हैंड पीस को अप्लाई कर लिया। इस तरीके से आपको अपने फेस पे अप्लाई कितने करने मिनट तक आप अपने स्किन पे रख सकते हो, तो ये आपको 20 या फिर 25 मिनट तक आप अपने स्किन पे इसको रख सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम रहता है ड्राई होने में, तो बेसिकली आप इतने टाइम तक इसको रख सकते हो। सो फ्रेंड अगर ये ड्राई हो जाए ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है आपकी स्किन पे, तो आपको अच्छे से इसको निकालना होता है, तो हो सकता है आपको बहुत ही दर्द भी हो, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो मिलते हैं 2000 गाइस। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है, तो चलो इसको निकालते हैं। कोई नहीं, तो निकल तो आसानी से जा रहा है ये आपके हैंड पे। अगर आप इसको फेस पे लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देती है निकल। तो आप देख सकते हैं मेरे हैंड में दोनों में क्या फर्क है। तो गाइस मुझे तो कुछ ऐसा वैसा फर्क नहीं दिखाई दे रहा, बट ओके ओके से था, तो आप जा सकते हो। तो फ्रेंड मुझे कैसा लगा, ये जो आपके नेक पे वाइटनेस होते हैं ना, ब्लैक नेट होते हैं, तो वो जो होता है ना थोड़ा बहुत रिड्यूस करता है। ये नहीं कि आपकी स्किन पे एक बैग वो ख़त्म कर देगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। ये जो है ये बहुत वर्क करता है, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही धीरे धीरे वर्क करेगा। एंड जो आपके फेस पे हेयर होते हैं, एक्स्ट्रा हेयर होते हैं आपकी स्किन पे, जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको ये क्लीन करता है, ना कि इसको निकालेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो थोड़े बहुत मेरे स्किन पे हेयर है, इसको बिल्कुल भी ये नहीं निकाला, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से बहुत ही पतले हेयर को ये निकालने में हेल्प करता है। एंड फिर भी मुझे सही लगा, क्योंकि ये जो हमारी स्किन पे जो डेड स्किन होते हैं ना, इसको क्लीन कर लेता है। और ये जो है ना गंदगी, स्टिकी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, तो इसके अंदर गंदगी को पूरे तरीके से निचोड़ लेता है। तो उसको जब हम इसको निकालते हैं ना, तो उसके साथ ये गंदगी भी निकल जाती है। तो ओके ओके से था, आप इस पे जा एंड सकते इसके हैं। साथ मुझे फ्री में एलोवेरा जेल मिला था, जो कि ये फिर साइन एलोवेरा जेल है, और ये शायद 120 ml का प्रोडक्ट इसमें है। एंड ये एलोवेरा जेल प्योर एलोवेरा जेल है, और इसके बाद मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि जो मेरी स्किन हो रहा है, तो जो मैंने इसको इस तरीके से निकाला तो मुझे पेन टाइप हुआ इस तरीके से, तो मुझे लगता है ये मुझे लगाना चाहिए। एंड इसके बाद आपके पास अगर कोई से मॉइस्चराइजर वगैरह है तो आप वो भी लगा सकते हो। देन इसके लिए मैं यही लगाऊंगी। अच्छा क्या इन्होंने एलोवेरा जेल इसमें दे दिया। ओके देन आप देख सकते हैं मेरे इसको, ये जो है पूरे ट्रांसपेरेंस, इसका जो कंसिस्टेंसी इस तरीके से है, जो कि इसमें कोई भी ग्रीन कलर का टेक्सचर नहीं मुझे दिखाई दे रहा। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो हल्की सी भी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।